अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मूंगे की फली का गोश्त का शोरबा। उसके लिए हमें चाहिए प्याज, दो बड़ी प्याज है ये, हमने अच्छे से कट कर लिए, और 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। ये आधी पट्टी खोपरा है, इसे अच्छे से भून लिया और कट कर लिया है हमने। ये 1/2 टीस्पून हल्दी, और हमने लिया है टमाटर, 3 से 4 टमाटर है ये, अच्छे से कट कर लिया है। और हमने लिया है गोश्त मटन, 250 ग्राम्स है ये, 1/4 किलो हड्डी के साथ है। और हमने हरे मसाले में लिया है कोथमीर और 2 हरी मिर्च, उसे आधी आधी तोड़ ली है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कैरी है ये, आधी कैरी है ये, उसे अच्छे से कट कर लिया है। मूंगे की फली है ड्रमस्टिक, एक इसमें हमने 5 पीसेस कर लिए, इसे अच्छे से कट कर कर। 3 आलू है, इसे आधे आधे कट कर लिए है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे मूंगे की फली गोश्त का शोरबा बनाने के लिए। देखिए, हमने कुकर रख लिया है स्टोव पर। अब हम डालेंगे तेल इसमें 3 टेबलस्पून। तेल अच्छे से गरम हो गया, अब हम डालेंगे इसमें प्याज जो हमने अच्छे से कट कर ली थी। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर और 2 हरी मिर्च, उसे आधे आधी कट कर लिए, तोड़ लिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हाई फ्लेम पे प्याज की कच्ची स्मेल गए तक पका ले, ये 2 या 3 मिनट तक पका ले। देखिए, हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, प्याज की कच्ची स्मेल चले गई। अब हम इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुने गया। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और हल्दी। देखिए, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और नमक, देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, अब हम डालेंगे इसमें गोश्त, देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, टमाटर अच्छे से भुने गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी गोश्त गलने के लिए। अब हम डालेंगे 1/2 ग्लास पानी गोश्त गलने के लिए। देखिए, अब हम गोश्त गलने के लिए कुकर का ढक्कन लगा रहे, हाई फ्लेम पे 5 सीटी लगाए, सिम पे 3 सीटी लगाए। देखिए, गोश्त अच्छे से गल गया है, मसाला बन गया है। अब हम डाल रहे हैं इसमें आलू, देखिए आलू, देखिए इसे अच्छे से मिक्स करें और थोड़ा सा पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगाए आलू गलने के लिए, 3 सीटी लगाए, थोड़ा सा पानी डालिए, देखिए इसे अच्छे से मिक्स करें। देखिए, हम अब डाल रहे कैरी, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। कैरी और आलू डाले बाद हाई फ्लेम पे 3 सीटी लगाएं। देखिए, आलू और कैरी गल गई है। अब हम डालेंगे इसमें मूंगे की फली, अब डालेंगे हम मूंगे की फली, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम डालेंगे इसमें खोपरा, जो हमने आधी बट्टी खोपरा लिया था भुनेवा, उसे हमने ग्राइंड कर लिया है, पाउडर बना लिया है, वो हम डालेंगे अब, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी डालकर 1 सीटी लगाए मूंगे की फली गलने के लिए। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, 1 सीटी लगाएंगे मूंगे की फली गलने के लिए हाई फ्लेम पे। देखिए, हाई फ्लेम पे 1 सीटी हो गई है, मूंगे की फली अच्छे से गल गई है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, देखिए मूंगे की फली अच्छे से गल गई है, ये देखिए आप। अब हम डालेंगे पानी लिक्विड करने के लिए, हमने 1 ग्लास पानी डाला है लिक्विड करने के लिए। आपको कितना लिक्विड होना है उसके हिसाब से आप पानी डाल लीजिए। देखिए, इस तरीके के लिक्विड कर लीजिए। देखिए, हाई फ्लेम पे 5 मिनट पका लीजिए। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कोथमीर और 3 से 4 हरी मिर्च, अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
दो मिनट हाई फ्लेम पे पकाकर डिश आउट कर। मूंगे की फली और गोश्त का शोरवा रेडी है डिश आउट करने के लिए। ये देखिए, मूंगे की फली और गोश्त का शोरवा रेडी है, डिश आउट हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार बना है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे वाइट राइस के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।